क्वीन ऑफ द स्काइज टाइटैनिक ऑफ स्काई यानी दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप हिंडनबर्ग। नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यार इसके बारे में तो पहले भी सुना है। जी हाँ, हम उसी हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं जिसने सेबी के प्रमुख पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब आप यहाँ पर सोच में पड़ गए होंगे कि यार हिंडनबर्ग तो एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, तो इसे हम टाइटैनिक ऑफ स्काई या फिर क्वीन ऑफ स्काइज क्यों कह रहे हैं। दरअसल रिसर्च फर्म का नाम हिंडनबर्ग एयरशिप के हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट पर रखा गया है। ये एक्सीडेंट इतना भयावह था कि 35 सेकंड के अंदर ही 35 लोगों की जान चली गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, लेकिन इसे होने दिया गया। अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आखिर जो हिंडनबर्ग के फाउंडर हैं, उन्होंने इस रिसर्च फर्म का नाम हिंडनबर्ग क्यों रखा है। एक हादसा जिसने बर्बाद कर दी पूरी एयरशिप इंडस्ट्री। करीब 87 साल पहले 3 मई 1937 को एयरशिप हिंडनबर्ग ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। एयरशिप एक बड़ा गैस बैलून है जो हवा में ऊपर उठता है और इंजन से चलने वाला प्रोपेलर इसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हिंडनबर्ग न्यू जर्सी पहुंचने वाली थी, मौसम कुछ खराब हो गया जिसकी वजह से पहली बार में एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम से कहा गया कि वो तूफान से दूर जाकर आसमान में उड़ता रहे और थोड़ी देर इंतजार करे। मौसम ठीक होने पर फिर से लैंडिंग की अनुमति मिली। एयरशिप लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हवा का रुख एयरशिप के खिलाफ होने लगा। अब दो विकल्प थे। पहला, या तो धीरे धीरे लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ने की कोशिश हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था। दूसरा विकल्प था एक शार्प मोड़ लेते हुए लैंडिंग साइट पर पहुंचा जाए। पायलट ने दूसरा विकल्प चुना। कहा जाता है कि इस शार्प मोड़ लेने के चलते ही एयरशिप के पिछले हिस्से के कुछ स्टील के तार टूट गए, जिससे एक गैस चैम्बर को नुकसान पहुंच गया। इससे गैस लीक होने लगी। लैंडिंग साइट तक पहुंचने से कुछ दूर पहले एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुकने लगा, जबकि लैंडिंग के समय एयरशिप को बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए पायलट ने पिछले हिस्से से 3 बार पानी गिराने का ऑर्डर दिया, साथ ही सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप में आगे की ओर जाने को कहा। जब एयरशिप को लैंड कराया जाता है तो कुछ रस्सियां नीचे फेंकी जाती है। इन रस्सियों से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। रस्सियों के सहारे ही एयरशिप को नीचे खींचा जा रहा था, लेकिन तभी एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लग गई। शिप में काफी हाइड्रोजन गैस भरी थी जिसने तुरंत आग पकड़ ली। एक झटके में एयरशिप आग का गोला बन गया। कहा जाता है कि तूफान में बिजली कड़कने से एयरशिप का बाहरी हिस्सा और अंदर के ढांचे के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो गया था, इससे आग लग गई। जब आग लगी तो कई लोग डर के चलते खिड़कियां तोड़कर कूद गए थे। इस हादसे में 30 से 35 सेकंड में ही करीब 36 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे एयरशिप इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया और लोगों का इससे भरोसा भी उठ गया। यही वो दौर था जिसके बाद कमर्शियल एयरप्लेन का चलन शुरू हुआ। अब आपको हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर के बारे में बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च फर्म का नाम आखिर हिंडनबर्ग क्यों रखा। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं नाथन डर्सन, जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया और अपनी करियर की शुरुआत एक डेटा कंपनी से की थी। कहा जाता है कि इससे पहले वो इसराइल में एम्बुलेंस चलाने का काम करते थे। उनका मानना था कि हिंडनबर्ग की इस दुर्घटना को रोका जा सकता था, लेकिन इसे होने दिया गया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी इस रिसर्च फर्म का नाम हिंडनबर्ग के हाई प्रोफाइल दुर्घटना के नाम पर रखा। आई होप अब आपको जानकारी हो गई होगी कि आखिर हिंडनबर्ग क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और उसका नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT TechEd।